मेरी ना गांड चल गई बहुत ज्यादा। क्या हो गया ऐसा? क्या क्यों बोलता है? जब मत बोल, मैं कुछ बोल रहा हूं, ये सब ओवर ओवर मत बोल। ये हरकत अगर मैं कर दिया रहता ना तो मर जाता ना। हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप, माय नेम इज एड्रोफ्लो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो गाइज, इस चीज़ की मुझे सख्त ज़रूरत थी। क्या बोलूँ मैं, मुझे कम से कम 25 डेज हो गए थे दाढ़ी ट्रिम नहीं करा के। और जो लड़कियाँ देख रही है उन लोगों को मैं बोलना चाहूँ कि अगर आप लोगों को दाढ़ी आती है और आप 25 दिन या एक महीने तक अपनी दाढ़ी ना काटो तो अंदर जो हाल होता है ना, मैं आप लोगों को फील करवाना चाहता हूँ, बट नेचर का दस्तूर आप लोग ये फील नहीं कर सकते। बट इतना सुकून लग रहा है ना गाइज, दाढ़ी वाढ़ी बना के आया, थोड़ा बाल वाल भी दिख तो नहीं रहा रहेगा बट थोड़ा बहुत कटाया भी उस जुल्फे मेरी। और गाइज, ये वीडियो में मैं आपको एक गेमिंग ऐप के बारे में बताना चाहूंगा जिसका नाम है मेगापरी। मैं और मेरे फ्रेंड्स ये ऐप में गेम खेल खेल के बहुत सारा पैसा अर्न किया है अभी तक। मैं आपको बताऊंगा इसमें रजिस्टर कैसे करते हैं। इसमें सिर्फ 3 सिंपल स्टेप है जो मैं आपको आगे बताता हूं। और बहुत मुश्किल से टाइमिंग थोड़ा सेट हुआ है। अभी थोड़े टाइम पहले मैं जस्ट उठा हूं और टाइम हो रहा है 12:45 आफ्टरनून में। क्या बात है, तो अच्छा है कि टाइमिंग भी थोड़ा सही हो रहा है। तो अभी मैं खाऊंगा पीऊंगा, थोड़ा अंडे विंडे खाएंगे, फिर जाते हैं जिम कसरत करने के लिए। रात थोड़ा आया था 3-4 दिन के लिए, तो वो 3-4 दिन वर्कआउट मिस हो गया क्योंकि रात भर हम लोग जगते थे, दिन में सोते थे, फिर जिम में जाने का मन नहीं करता, तो 3-4 दिन मिस हो गया। 3-4 दिन जिम मिस होने का तो अभी वापस से जाना बहुत भारी पड़ता है, बट कोई नहीं, मैं कल जाके आया और आज भी जाएंगे और आगे भी जाते रहेंगे, फिर बॉडी बनाएंगे मस्त एकदम एस्थेटिक बॉडी। बस थोड़ा टाइम और जिम करने दो गाइस, इंस्टाग्राम पे मेरी शर्टलेस पिक्चर आएगी बहुत जल्दी। ये सब करता ना इसके लिए मेरी बॉडी नहीं बनती। और मम्मी कहाँ गए हो इतने दिन से, मेरे व्लॉग में आ रहे नहीं, एकदम फुल हीरोइन बन के घूम रहे हो। तबीयत खराब है, शुगर बढ़ी हुई है। हाँ यार, मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब है, थोड़े इश्यूज चालू है। और क्या है क्या नहीं मैं आपको बाद में अच्छे से बताऊंगा, अभी थोड़ा मूड अच्छा है तो मूड अच्छा ही रखते। बाकी ये क्या मम्मी, जामुन की बीज, इसको क्यों सुखा के रखे? वो पीस के उसका पाउडर खाए तो शुगर शुगर कंट्रोल। गाइस देखो, एड्रोफ्लो व्लॉग में ये सब चीज़ें भी सीखने मिलती है। इसको सुखा के पीस के पाउडर बना के पियेंगे तो शुगर कंट्रोल होगी। बाय मम्मी, बाय बाय मम्मी, बाय मम्मी। मैं समझी बाय बोल नहीं, बाय मम्मी, मम्मी की जड़ी बूटी। तो अभी मम्मी फटफट अभी अंडे अंडे दे दो, जाता हूँ मैं जिम, जान बना के आता हूँ मस्त, ठीक है। तो गाइज, मैं अभी आपको मेगापरी के बारे में बताता हूँ। यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद मेगापरी वेबसाइट एंड गेट 9000 रुपीज बोनस ऑन स्पोर्ट्स गेमिंग। अगर आपको कैसीनो गेम्स पसंद है तो यू कैन गेट 1,25,000 रुपीज बोनस विद 125 फ्री स्पिन। ऑल्सो यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद फोन एंड यू कैन ऑल्सो गेट इट फ्रॉम स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो गाइज, अभी मैं आपको खेल के दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि आप कैसे जीत सकते हैं। तो गाइज, जैसे अभी आप देख सकते हैं कि मैंने 500 लगा दिया। ये थोड़ा ट्रिकी गेम है, यू जस्ट नीड टू टेक आउट द मनी बिफोर द प्लेन क्रैश। यू कैन अर्न ईजी मनी, जस्ट बी केयरफुल। सी, हियर इट गोज, 3000 रुपीज मैंने जीत लिया है। और गाइज, ये आपका जीता हुआ अमाउंट आप इजीली विड्रॉ कर सकते हैं अपने UPI के थ्रू या फिर Paytm या गूगल पे। तो यार गाइज, मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दे दिया हो, जाके ये ऐप चेक करो। प्ले बिग विन बिग। तो गाइस, सीन ये कि कल रात में मैंने विशाल को ये बोला था कि मेरे को ना रात में 1:30-2 बजे कैसे भी उठा देना, मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और मैंने ये चीज़ को 11 बजे बोला था कि मैं 1-2 घंटा सो के उठ के आ जाऊँगा, वो बाहर ही था। तो मैंने उसको बोला था 1:30-2 बजे मेरे को कैसे भी उठा देना। उसका रात में मेरे को 2-3 बजे 6-7 मिस कॉल्स दिखे, एक मैसेज भी आया जिसमें मेरे को गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी, तो वो बहुत ज़्यादा भड़क चुका है। तो अभी मैं सुबह उठ के आया उस सुमड़ी में, वो सो ही रहा है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मेरी क्या हालत करने वाला है। मैं कैमरा यही प्लेस करके वापस बाहर रह के बेल बजा के अंदर आता हूँ उसको उठा के। उसका पागल वाला रूप दिखेगा आपको, एक तो क्योंकि नींद में से उठेगा और कल रात में इतना बड़ा टोपा दिया हूँ मैंने उसको। क्यों आया?
इतना लेट क्यों कर रहा है बोलने के लिए? नहीं तू अभी आया क्यों लेकिन? आया तू लेकिन अभी? पिच पिच मत कर मेरे साथ, बहुत मारूंगा अदनान में। मेरी ना गांड चल गई बहुत ज्यादा। क्या हो गया? क्यों बोल, क्यों बोलता है जब तू उठाने का नहीं रहता फोन? क्यों बोलता है तेरे को? मुंह पे फोन काट रहा तू। मैं शूट पे से 1:30 बजे यहाँ पर आया, रात भर इसको आधा एक घंटा घूम रहा हूँ मैं कि इसको जाके पिक कर लेता हूँ। इसने 2 बजे मेरे को उठाने के लिए बोला है। अभी बारिश हो रही है, इसकी गाड़ी भी गैरेज में, कैसे आएगा? मैं आधा पौना घंटा बाहर घूम रहा हूँ, तेरे को फोन कर रहा हूँ मैं। गाड़ी मिल गई थी कहीं? हाँ तो मेरे को पता था, कल सुबह तो तूने मेरे को यही बोला था ना कि गाड़ी गैरेज में। क्या हो गया पागल? क्या हो गया? तो मैं सुबह से शूट कर रहा था अदनान, सुबह से शूट कर रहा हूँ मैं विदाउट सोए। 1:30 बजे सो जाता जाके? कहाँ सो जाता? अरे चल ना, सॉरी चल चल। एक मिनट, कहाँ सो जाता जाके? कहीं भी, यहाँ सोता वहाँ सोता, सो जाता। अच्छा तो तू क्यों बकचोदी क्या था? अगर तेरे को इतना ही पता था तो तू मेरे को मैसेज ही क्यों किया कि तू इतने बजे उठा देना मेरे को, इतने बजे मेरे को कॉल कर? क्यों किया? नहीं उठ पाया भाई, मैं बहुत मुश्किल से मतलब उठने की कोशिश कर रहा था बट नहीं उठ पाया। अब भी सुबह मैं आपको ही मेरी क्या भाई मार वार डालेगा जान से? इतना इतना ओवर मत कर, ये सब मत मत बोल। मैं कुछ बोल रहा हूँ ये सब ओवर फोर मत बोल, मुक्का मारूंगा खींच के मुंह पे। चिड़ दिलाना चाह रहा है, चिड़ नहीं, डिसअपॉइंटमेंट है। चिड़ नहीं हो रही मेरे को, डिसअपॉइंटमेंट है। यही हरकत अगर मैं कर दिया रहता ना तो मर जाता ना, मर के तड़प के मर। तूने बहुत बार किया है हरकत, बट तू मेरे पे डिपेंडेंट नहीं था उस टाइम पे। एक ही बार वो हरकत हुई है और तू मेरे पे उस टाइम भी ऐसा, मैं तेरे को बोला नहीं था कि तू भाई मेरे को उठा देना या फिर मेरे को सुला देना, ये सब नहीं बोला था। भाई उठा देना, 2 बजे उठा देना, फिर भी मैं 2:15-45 मिनट गाड़ी में घूम रहा हूँ अकेला, पूरे मीरा रोड में घूम रहा हूँ घूम रहा हूँ। अब इसको लेके जाऊंगा, अब इसको लेने जाऊंगा, कोई बात नहीं, चल अबे आने आने आने, चल अभी बस होगा मैं मारूंगा पकड़ के साले। और ये देख क्या है मेरे पास, ये देख क्या है यार, मत करो जॉब, मत करो। देख क्या है, तेरे को मालूम मैं आया, चाबी से खोला, तेरे को रिकॉर्ड किया कि तू अंदर सो रहा है, फिर मैंने कैमरा प्लेस करके वापस बाहर एक बेल बजा के आया। लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि कैसा जुल्म कर रहा है मेरे पे ये बंदा, कैसा चिल्ला रहा है मेरे पे, कैसा वो कर रहा है ये, मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये चीज। ये नीच है ये, वैसे तो अभी तो कल फोन काटा इसने, कल इसने फोन काटा मेरा मुंह पे। अरे भाई कसम से मेरे को, दूसरी बात ना आपको दूसरी बात बता रहा हूँ गाइस, अगर ये सो रहा रहता है ना तो ये फोन उठाता ही नहीं है। वो मेरे को पता है इसका, ऐसा नहीं कि इसको पता है। तेरे को क्या लग रहा है मैं सो रहा था? सो नहीं रहा था। नहीं नहीं तू नहीं सो ही रहा था तू, मैं बोल रहा हूँ कल तो इसने काटा। अरे वो काटा कल तो इसने काटा, मैं बोल रहा हूँ उसका रोज का मैं आपको बताता हूँ कि ये इसको ऐसा नहीं कि फोन पता नहीं चलता आ रहा है, ये मैंने इसको नींद में अपनी आंखों से देखता हूँ मैं इसको, ये ऐसा देखता है साइलेंट करता है फिर सो जाता है। ये इसकी हरकतें है, आज का नहीं है, बहुत दिन का ये निकल रहा है। अरे भाई इतना मत कर अभी, चल बस हो गया, ओवर मत कर अभी। तो गाइस अभी इसको मैं थोड़ा ठंडा करता हूँ, बाथरूम में लेकर जाके थोड़ा ठंडा पानी डाल के उसको थोड़ा ठंडा करता हूँ, फिर मिलता हूँ। ऐसे नहीं मानूंगा, फिर क्या चाहिए कैसे मानेगा रे छमिया। तो गाइस अभी ये सब हटाओ, विशाल शांत हो जा थोड़ा, कोई बात नहीं, सब होते हैं शांत है ना एकदम। अरे क्या बात है, तो गाइस ऐसे अभी हटाते हैं, बहुत हो गया एकदम, सुबह सुबह फ्रेश हो गया मैं तेरी डांट सुन के। मेरा बाप भी मेरे को नहीं चिल्लाया था जैसा तूने चिल्लाया अभी। सो गाइज सीन ये सब क्यों हो रहा है पता है कि टाइमिंग बहुत ऊपर नीचे हो गया है। टाइमिंग अच्छा हो गया है बट हमारे लिए ये टाइमिंग नहीं जम रहा है यार, सच बोलूँ तो कि रात में बिलीव नहीं करोगे, हम लोग दो दिन से नहीं मिले हम लोग। हाँ हम लोग नहीं मिल पा रहे क्योंकि टाइमिंग पूरा ऊपर नीचे हो गया, रात में मैं सो जाता हूँ और आई गेस ऋषि भी रात में सो जा रहा है, मेरा तो कुछ अलग चल रहा है और ये नहीं सो रहा है, ये उठ रहा है, क्या बहुत अलग टाइमिंग चल रहा है। तो मेन अभी ये करते हैं कि अभी सुबह में मिलेंगे, मस्त दिन भर अपन चिल करेंगे, काम करेंगे, एकदम परफेक्ट टाइम, अपने घर वाले भी खुश हो जाएंगे, अपने अपने मम्मी पापा भी खुश हो जाएंगे। तो गाइस ये पीछे पड़ा है कि ना ये वापस वो टाइमिंग कर देंगे सुबह 7 बजे सोए और 3 बजे उठ जाओ। अच्छा 8 घंटे की नींद नहीं, एटलीस्ट 5 बजे सोएंगे, 6 बजे तेरा ना मेरा छोड़ भाई, ये क्या है, कहाँ कश्मीर में मनाली में कहाँ घूम रहे तू, ये क्या है ये बूट्स? हाँ बूट्स, ये मुंह पे मारूंगा तेरे अभी।
तूने कल देखा नहीं, बहुत हॉट ही लग रहा था मतलब। तूने मेरे को नहीं देखा कल जिम में, मैं कितना हॉट ही लग रहा था। हॉट ही लग रहा रहेगा तो जिम भी नहीं जा पा रहा हूँ। तू तेरी जिंदगी में क्या कर रहा है? काम। कितना कमाएगा पैसा? बस कर, कवर में लेके जाएगा पैसा। सो गाइज, हमने एक और एक चीज़ हमारे घर के लिए लेके आए थे, जो कि है ये है प्रोजेक्टर, जो कि बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, बट हम इसे बिल्कुल भी यूज़ नहीं, फिलहाल तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे, फिलहाल करते ही नहीं है यूज़, वेस्ट पड़ा है। अभी जबकि यहाँ पे फायर स्टिक भी डाल दिया है, और हम लोग ने ये प्रोजेक्टर के लिए ये सब जुगाड़ मतलब सब मेहनत करके सब सेट वेट किए थे, बट नहीं करते यूज़, क्यों नहीं करते? अभी तो सब कुछ बदलने वाला। तो गाइस, एक और एक सदमा है अभी हम लोग को, और जिसकी वजह से हमारा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। ये जो आलिशान महल है हमारा, पेंट हाउस जो है, इसको हमें खाली करना है बहुत जल्द। यहाँ का ओनर हमको भगा रहा है, बोला कि बस हो गया तुम, बस हो गया तुम लोग, बोला किसी को भी नहीं दूंगा, तुम लोग को नहीं दूंगा। तो हम लोग फिराक में कुछ नए घर वर ढूंढने की ढूंढ रहे हैं, और प्रॉब्लम ये कि हम तीन बैचलर्स हैं। बहुत डिफिकल्ट होता है कि सोसाइटी में घर कोई दे हमें रहने के लिए। कोशिश तो पूरी जा रही है कि हम यही घर में रहे। आई होप कि हम लोग को, वरना देखो इतना शिफ्टिंग में इतना मगजमारी होता है, और हमारे घर इतना सामान है ना ये, और हम ये, और पता है वो पीएस सेटअप करने के बाद अभी ऐसा लगता है कि घर कंप्लीट, घर हो गया मतलब एकदम सब ऐसा सब सेट हो गया, बाथरूम कबर्ड बेड, मतलब ऐसा लगता है जैसा है सब सही है, अच्छा लग रहा है अभी हम लोग को, मजा आ रही है इधर बड़ा, और ये टाइम पे खाली करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। एकदम सामने लगा रखा है हमने यहाँ पे सब चीज, हमारे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं है, भले हमारा घर गंदा रहता है, मेसी रहता है, बट कमी भी किसी की चीज की। और मेन वो जगह सेट हो गया है हमारा, हर एक जैसे पीएस वहाँ पर है, प्रोजेक्टर यहाँ पर है, टीवी हमने लगा के उसको बाहर निकालने वाला, बिग बैग शू स्टैंड, मतलब हर एक चीज, सोफा बोलो, टेबल जो हम लोग ने लाए थे, इन लोग ने मेरे 10 मिलियन के लिए, उसको हम लोग ने 500 रुपए के भाड़े पे रख के उसको हम लोग ने मस्त सजा के चादर वाला डाल दिए, और का सामान, सबसे मेन चीज बालकनी, हमारे घर से जो व्यू है गाइस, इतना बड़ा बालकनी, और ये बालकनी के साथ जो व्यू है, ओ भाई ये कहाँ मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, वहाँ देखो क्रीक भी दिखता है, जुहू भी मिलेगा। चलो फिर जुहू शिफ्ट हो जाते, बैंड्रा रेक्लेमेशन बैंड स्टैंड कार्टर रोड, चल बैंड स्टैंड चलते हैं। और बोलते ना घर के आसपास पानी रहता तो अच्छा रहता है, हमारे तो आसपास पानी ही पानी है, पूरा क्रीक है। तो गाइस बहुत कश्मकश में हम लोग फंसे हुए, देखेंगे जो भी होएगा आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा, और यहाँ से हमारी कार भी साथ है, हाँ साथ में ही रहती है, ये यहाँ से हम हमारी कार भी देख सकते हैं, कोई कुछ छेड़खानी तो नहीं कर रहा है, वो बादल, वो ब्लैक पैंथर। और गाइज ऋषि का भी टाइमिंग ऊपर नीचे है, तो हम लोग अभी सुबह उठ गए, वो उठा ही नहीं है, तो ऋषि भी मिला नहीं, अब वो कब मिलेगा, शाम में मिलेगा, जिम में मिलेगा, पता ही नहीं, रात में ही मिलेंगे, रात में ही मिलना होएगा शायद अब तो। तो ये था मेरा आज का एक छोटा सा मोटा सा व्लॉग, तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर सकते हो सब्सक्राइब नहीं, लाइक और डिसलाइक कुछ अच्छा नहीं अच्छा लगा तो अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो, ये भी ऑप्शन है, सब्सक्राइब तो अनसब्सक्राइब नहीं करना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा डिसलाइक कर दो, नहीं अच्छा डिसलाइक भी कर सकते हैं, बट मत करना। फिर मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, जब तक के लिए सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। बरसेगा सावन झूम झूम, क्या हुआ, बरसेगा सावन झूम झूम के आ बस हो गया।